सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि वीडियो के सारे विजुअल क्रेडिट्स जाते हैं फोन बफ और सर एम के बी एच डी को, जिन्होंने ये ड्रॉप टेस्ट उनके खुद के चैनल पे परफॉर्म किया है। मैं उनकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो आप उनके चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को बनाने का रीजन क्या है फिर। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है कि एप्पल ने क्लेम किया है कि उनका जो न्यू सिरेमिक शील्ड है वो 4 times ज्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू द गोरिल्ला ग्लास। बट ऐसे भी कुछ पॉइंट से रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी जो ज्यादा यूट्यूबर्स ने अभी तक कोई भी वीडियो में नहीं क्लियर किए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। सो माई नेम इज कौशिक एंड यू आर वॉचिंग मिस्टर जस्ट फॉर टेक। सो रिसेंटली हुए एप्पल इवेंट में उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनका जो न्यू सिरेमिक शील्ड है वो 4 times ज्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गोरिल्ला ग्लास। बट ऐसे भी कुछ फैक्टर्स है जो सिरेमिक शील्ड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में काफी हेल्प करते हैं। उनमें से फर्स्ट फैक्टर ये है कि अगर आप आईफोन 12 के ग्लास को कंपेयर करोगे एक प्रीवियस जनरेशन आईफोन ग्लास के साथ, तो जो प्रीवियस जनरेशन आईफोन्स थे उनमें आपको देखने के लिए मिल जाता था कर्व्ड ग्लास, बट जो न्यू आईफोन्स है उनमें आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्लैट ग्लास, और जो फ्रेम लेवल है वो भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ग्लास लेवल। सो इट मीन्स अगर फोन ड्रॉप होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट फ्रेम पे पड़ेगा, ना कि डिस्प्ले पर। सो कहीं ना कहीं ये चेंज इन डिजाइन मैटर करता है सिरेमिक शील्ड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में। अब करते हैं सेकंड फैक्टर की बात। जो न्यू आईफोन 12 है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी कम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन आईफोन्स। सो इट मीन्स अगर फोन ड्रॉप होता है तो फोन की वेलोसिटी ऑफ ट्रैवल काफी कम रहेगी और जो प्रेशर ऑफ इम्पैक्ट है वो भी काफी मिनिमम रहेगा। सुनने के लिए काफी छोटी बात लग रही है, लेकिन छोटी छोटी बातें मैटर्स अ लॉट व्हाइल डिजाइनिंग अ ड्यूरेबल स्मार्टफोन। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स गेट बैक टू द थर्ड फैक्टर। अगर आपको याद होगा 2015 में मोटोरोला ने मोटो एक्स फोर्स लॉन्च किया था, जिसमें कंपनी ने क्लेम किया था कि उनका जो डिस्प्ले था वो एक शटर प्रूफ डिस्प्ले था, और ये बात एक लिमिट तक सच भी थी। बट उसकी जो स्क्रैच रेजिस्टेंस कैपेसिटी थी वो काफी कम थी, क्योंकि जो मटेरियल यूज किया था डिस्प्ले के बिल्ड के लिए वो एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल था। एज अ रिजल्ट डिस्प्ले काफी इजीली स्क्रैच हो जाता था। सो रिसेंटली सर MKBHD ने भी वीडियो में यही बताया है कि उनका जो आईफोन 12 है वो काफी इजीली स्क्रैच हुआ है, वो भी बिना किसी रफ यूज के। सो लेट्स क्लेरिफाई दिस। अगर ग्लास ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस है इसका मतलब ग्लास कम शटर प्रूफ है, और अगर ग्लास ज्यादा शटर प्रूफ है फिर इसका मतलब ग्लास कम स्क्रैच रेजिस्टेंस है। सो आई गेस एप्पल ने ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी स्क्रैच रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम कर दी है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स फोर्थ फैक्टर। सिरेमिक शील्ड इसलिए भी ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स काफी मिनिमम है एज कम्पेयर टू द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स इन गोरिल्ला ग्लास, और इसी गैप के बीच में शैटर या हम जिसे क्रैक कहते हैं वो अकर्ड होता है। सो सपोज गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स कम है तो वहां मैक्सिमम प्रेशर ऑफ इम्पैक्ट लगेगा शैटर को अपियर होने के लिए। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे सिरेमिक शील्ड की ड्यूरेबिलिटी 4 times ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गोरिल्ला ग्लास। सो बस यार इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। सो तब तक मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। बाय।